तो इस वीडियो में हम जूस के बारे में बात करने वाले हैं, जूस फंक्शन के बारे में, उसको कैसे लगाते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे डालना होगा इंडेक्स नंबर, जिस नंबर इंडेक्स की हम वैल्यू इस लिस्ट में से चाहते हैं, हम कितने भी नंबर की लिस्ट की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीक डेज ले लिया, सैटरडे, ये ब्रैकेट क्लोज किया। अब जो यहाँ पे टू है तो ये इसके इंडेक्स नंबर टू की वैल्यू लाएगा, जो कि मेरा टू है। अगर हम और आते हैं, कोई चेंज कर लेते हैं, वन डाल दिया तो वन आ जाएगा। यहाँ वन को हटा करके इसको किसी सेल के साथ हम लिंक करा लेते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू डाली जाएगी वो आ जाएगा। वन के लिए वन आ जाएगा, टू के लिए टू, थ्री के लिए थ्री, फोर के लिए अगर मान लीजिए 1.2 डालूंगा तो ये 1 की वैल्यू लाएगा, क्योंकि ये राउंड ऑफ नहीं करता है। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, 0.5 या 0.5 की वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो राउंड करके उसको नेक्स्ट वैल्यू पे ले जाए, नेक्स्ट डिजिट पे ले जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे टर्नकेट होता है, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होता है, सीधा वो प्रिसीजन के बाद वाली वैल्यू को ड्रॉप कर देता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे किया हुआ और यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला बाद में अगर चेक करेंगे तो वैल्यू यही है, तो ये 1 पे ही काम करेगा। ऐसे 2.6 डाल लीजिए, 3 दिखाएगा, लेकिन ये 2 पे ही काम करेगा। 2, 3, 7 अगर आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3 ये आ गया, संडे मंडे ट्यूजडे, ये ऐसे काम करता है। और इसमें अब आते हैं कॉम्प्लेक्स तौर पे, इसको देख लेते हैं कैसे कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको किसी फंक्शन के अंदर यूज करके देखते हैं वो कैसे होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया सम, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ चूज लगा दिया, चूज में इंडेक्स नंबर यहाँ से दे दिया। पहले कंडीशन क्या होगी मेरी, F2 से लेकर के F5 तक टोटल करें। दूसरी कंडीशन क्या होगी, E2 से लेकर के F9 तक टोटल करें। तीसरी कंडीशन क्या होगी, कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मेरे को सिर्फ यहाँ पर दिखाना ही है और कुछ नहीं करना है। F10 से लेकर के F10 तक ये टोटल करें, ये मेरी तीन कंडीशन लिया थी। तो अब यहाँ पे सम का काम क्या होगा, ये चूज पे है और चूज के अंदर मैंने यहाँ इंडेक्स को I8 से लिंक कर रखा। अगर मैं पहला ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 डालता हूँ, तो अब यहाँ पे जो टोटल का काम होगा F2 से F5 तक का होगा, F2 से F5 तक का। ये देखिए टोटल सही है, 2 पे आ जाइए, 2 मैंने डाला तो क्या होगा, E2 से F9 तक होगा, E2 से F9, ये देखिए टोटल यही सब सेम है। अगर मैं ऐसी 3 डालूंगा तो 3 के कंडीशन वाइज होगा, तो जो भी कंडीशन वाइज इसको और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं तो वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए अब मैंने टाइप किया सम, सम के अंदर मैंने कोई रेंज ले ली, जैसे E2 वाली रेंज ले ली, E2 से स्टार्ट करना है, इसके बाद ही मैंने चूज लगा दिया E2 से। अब ये क्या किया, E2 से स्टार्ट हो लेकिन उसके बाद वाली लास्ट वाली रेंज क्या है, तो इसको हम रेंज कंकेटनेस के तौर पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ 2 कंडीशन पर लगा दिया, जो भी यहाँ पे I8 में हम इंडेक्स नंबर चूज करेंगे उससे उसकी रेंज लाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे 1 टाइप हो तो क्या करें, E10 आ जाए, E10 हो गया कॉमा। अगर मान लीजिए 2 कोई टाइप करे तो क्या आ जाए, F2 आ जाए। सिर्फ कोई 2 टाइप करे तो क्या आ जाए, F2 आ जाए। अगर कोई यहाँ पे I8 में 3 टाइप करे तो क्या आ जाए, E तो है ही। अब यहाँ पे F8 तक ले लिया मैंने टोटल। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 2 है तो कितना आ जाएगा, E2 से स्टार्ट होकर के ये दूसरे नंबर पे क्या F2 है, तो F2 तक का ये टोटल करेगा। ये देखिए इन दोनों का टोटल सेम ही आ रहा है। यहाँ पे 1 टाइप हो जाए तो 1 पे क्या कंडीशन है मेरी, 1 पे कंडीशन इंडेक्स नंबर पे E10 तक है, E2 से स्टार्ट हो और E10 तक, E2 से स्टार्ट हो और ये रहा मेरा E10 तक, ये वैल्यू इतनी आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको एवेल्युएट करके देख सकते हैं, क्लिक कीजिए यहाँ पे, एवेल्युएशन पे लगाइए, तो ये मैंने कंडीशन डाल के दी है, क्लिक किया यहाँ पे ओके, तो ये वैल्यू मेरी कॉन्स्टेंट हो गई यहाँ पे E2। अब देखिए आ गया यहाँ पे E2 से ये, तो ये वैल्यू ऐसे ऐसे हो गया। यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, क्लिक कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे I8 है ना, I8 की वैल्यू क्या लिया, 1 लिया। 1 की मतलब क्या है, चूज में से इन 1, 2, 3 की लिस्ट में से 1 पे क्या E10 है, तो यहाँ पे क्या आ गया E2 से E10, ये मेरा सम का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं इसको हम इंडेक्स मैच में यूज़ करके देखते हैं उसमें कैसे इस्तेमाल हो सकता है।
इंडेक्स मैच पे आते हैं। इंडेक्स मैच, इंडेक्स लगाया, एरे दे दिया कोई एक, ये मान लीजिए एरे हो गया। इसके बाद हम दे सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर, फिर कॉलम नंबर, वो आ सकता है। तो इसको हम चूज के साथ हम लगा सकते हैं कि हम किस में से हम चेक करने वाले हैं। तो वो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, इक्वल टू इंडेक्स, अरे क्या किया मैंने, चूज पे लगाया, चूज इसके ठीक है सामने वाली वैल्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे पहली ये हमने ले लिया इधर से ऐसे, इसको फ्रीज करना है चाहे तो कर सकते हैं। फिर दूसरी पे हमने ये टेबल ले लिया। अब ये तो हो गया हमारे पास, दो एरे आ गया। अब यहाँ पे ये मैंने क्लोज कर दिया। अब क्या कर रहे, इंडेक्स का जो एरे है वो अब इस चूज पे डिपेंड करता है कि कौन से वाले पे अप्लाई होगा। रो नंबर चाहिए तो आपको रो नंबर मान लीजिए यहाँ इसके ऊपर वाले के एम्प्लॉय आईडी को ढूंढना है हमको, तो रो नंबर हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं, मैच करा लेते हैं, लुकअप वैल्यू ये कॉमा। अब कॉमा क्या करना है, तो यहाँ पे भी दो बार कंडीशन लगेगी, या तो यहाँ से ढूंढेगा या तो यहाँ से ढूंढेगा वो। तो कहाँ से ढूंढेगा, तो इसके लिए लुकअप एरे को लिए आप चूज लगा लीजिए, फिर से क्या किया यहीं से लगा लीजिए। अगर पहला हो तो क्या करे, तो वो यहाँ से ढूंढे वो एम्प्लॉय आईडी। अगर दूसरी कंडीशन हो तो वो यहाँ से ढूंढे एम्प्लॉय आईडी। जब ये उसको मिल जाएगा तो ये काम ये हो गया। इसको क्लोज कीजिए, कॉमा ज़ीरो, इंडेक्स मैच, मैच को एग्जैक्टली मैच पे लगाइए। अब ये बोला कॉलम नंबर, बोला तो कॉलम नंबर दो की वैल्यू वापस कर दे। तो यहाँ पे आते हैं, वन लिया मैंने, एम्प्लॉय आईडी 1201 को दिया, ये आ गया। अगर एम्प्लॉय आईडी 1208 को दूंगा तो ये नॉट अवेलेबल लाएगा। और यहाँ पे अगर टू लगा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दूसरी नंबर टेबल से ही ढूंढेगा ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको यहाँ रेंज को डायनेमिक दे दिया इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर ऐसे करके डायनेमिक दे सकते हैं। ये हमने सेम काम वही किया, वी लुकअप वाला किया। वी लुकअप में भी इसका मेन यूज़ होता है। वी लुकअप में इसका जो यूज़ होता है वो किस काम के लिए होता है, यूनियन के लिए होता है। यूनियन कैसे बनाते हैं इसके अंदर, वो देखिए। पहले तो आपको जहाँ जहाँ पे कॉमा लग जाता है तो वो क्या होता है, वो मेरे वर्टिकल एरे हो जाते हैं, एरे हो जाते हैं। अगर मैं ये पैरेंथेसिस लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, चूज के साथ वो यूनियन बनाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ वी लुकअप में वो करना है, क्या करना है, नेम से उसकी एम्प्लॉय आईडी ढूंढनी है, नेम से एम्प्लॉय आईडी। ये क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया ये। इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए यहाँ पे नेम टाइप हो और उसकी एम्प्लॉय आईडी ढूंढनी है टेबल एरे में से, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे यूनियन लगा देंगे। जितने भी कॉलम चाहिए आपको, अभी दो कॉलम चाहिए तो दो के लिए लगाएंगे यूनियन, तीन चाहिए तो तीन के लिए, चार के लिए चार, पाँच के लिए पाँच, यहाँ पे तीन के बाद चार फिर पाँच, ऐसे ऐसे करना होगा। अभी हम दो पे देते हैं, दो लगा दिया तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू देनी होगी। पहले वैल्यू पे मैंने दे दिया नेम और दूसरे वैल्यू पे दे दिया एम्प्लॉय आईडी। तो अब ये क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखा है वन टू क्या करेगा, ये बी और ए का यूनियन बनाएगा जो वर्चुअली टेबल में मेरा वो एग्जिस्ट करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, नेम पहले आ जाएगा उसमें और एम्प्लॉय आईडी बाद में आ जाएगा। तो इससे मेरा वी लुकअप का काम ईजी हो जाएगा। कॉमा, कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए, दो नंबर कॉलम से वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच ले लिया। यहाँ पे कोई नाम दे देते, सुमित मैंने नाम दिया, ये आगे एम्प्लॉय आईडी 1203 है, ये रहा यहाँ पे 1203। तो ये आप चूज में यूनियन भी लगा सकते हैं, यूनियन ऐसे लगाते हैं। और चलते हैं और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसके साथ। अब देखते हैं मैथमेटिकल जो कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये इंसेंटिव निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, चूज़ के थ्रू। और इसके लिए अल्टरनेट वे भी है, जैसे कि आपके अदर फंक्शन भी, IFS भी है, उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो में बता रखा है। एक और फंक्शन है स्विच फंक्शन भी है, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो अभी हम आते हैं इंसेंटिव निकालते हैं इसमें किसके थ्रू, चूज़ के थ्रू बस ऑनली। चलिए वो भी देखते कैसे निकालेंगे। तो अब इंसेंटिव की एग्जैक्टली कंडीशन क्या है, सेल अगर 80% के अबव या इक्वल है, और क्या है 90 से कम है, और क्या है जब दूसरे में आ गया तो 90 के इक्वल है और 100 से कम है। यहाँ पे क्या 100 से इक्वल है या बड़ा है, और 110 से कम है। यहाँ पे क्या 110 के बराबर है या बड़ा है। तो ये मेरी एग्जैक्टली कंडीशन ये है। अगर मैं यहाँ पे इफ के साथ लगाना चाहूँ IFS के साथ, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, एंड यहाँ पे आगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80% कॉमा इज लेस देन कितना 90। अगर ये है तो सेल का 2%
कॉमा। अब यहाँ पे एक और लॉजिकल टेस्ट, तो ये पहले वाले इफ से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें नेस्टेड इफ में वो ब्रैकेट लगाने का कन्फ्यूजन नहीं रहता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही करके आप कंडीशन जितनी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं वैल्यू आ जाएगी। तो फिलहाल मैं इसके अंदर डीपली नहीं जाता क्योंकि मेरा टॉपिक चूज़ पे ही है, तो मैं चूज़ पे वापस आ जाता हूँ। अब वो काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, अगर ये है तो इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 1 और इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3 और इसकी 4। अब ये मैथमेटिक में ये पॉसिबल कैसे है कि इन अब ये अपने आप सीरियल नंबर वाइज ले ले, तो वो ऐसे पॉसिबल है। इन सारी कंडीशन को मैं एक एक वैल्यू दे देता हूँ, एक एक एक। अब मेरा पहला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, तो वो चूज में से क्या ले आएगा, सिर्फ इतनी वैल्यू ले आएगा, पहले नंबर इंडेक्स की वैल्यू ले आएगा। अगर दोनों ट्रू हो जाएंगे तो क्या करेगा, 2 लाएगा। तो इस तरीके से हम करके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, इक्वल टू लगाया, सेल अमाउंट में से मल्टीप्लाई किया, किसको, चूज को। अब इसके अंदर ब्रैकेट में कंडीशन लगाएंगे और प्लस करते जाएंगे। अगर ये वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 80% के है तो ये मेरा ट्रू लाएगा। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को प्लस किया है, अगर मान लीजिए ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो यहाँ ट्रू लाएगा, और ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा वो 1-1 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे फॉल्स होगा। तो इसको क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डालना। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 100% वाली कंडीशन पहले डाल दूँ और 90% वाली बाद में, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए मेरे को ये क्या हुआ, ये जो भी अमाउंट आएगा या परसेंटेज आएगा, ये मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डालना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे वो एक एक करके जो है ना अपना स्टेप, मतलब वो क्या बोलते, चेक पॉइंट पे आता जाए और वैल्यू ऐड करता जाए। अगर मान लीजिए इसमें अगर मैं 80% को बीच में डाल देता हूँ, 110% को पहले देता हूं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें अब मैंने क्या किया, यहां पे आकर के G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, ब्रैकेट क्लोज, प्लस G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ओपन, G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 110%, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा इंडेक्स के लिए होगी वैल्यू। अगर पहला है तो क्या है, 2% है, फिर 3% का है मेरा, फिर क्या है, अगर और कंडीशन है तो 5% है, 5% है, फिर एक और है 6% है। यही मेरे 4 कंडीशन है। ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ एंटर कीजिए, ये देखिए आ गया, ये मेरे 4 कंडीशन थे, 2, 3, 5, 6। ये मैंने यही डाल दिया, 2, 3, 5, 6। अब यहाँ पे आते हैं, इसको बस यहाँ तक बॉटम तक कॉपी पेस्ट कीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एरर लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ़ एरर, और यहाँ पे नहीं आता 0, तो 0 मतलब 0 ही आ जाएगा, ये 0 आ गया। अब इसको चेक करते हैं, एवेल्युएट करा के क्या वैल्यू सही आ रही है। तो ये देखिए, क्लिक किया यहाँ पे तो ये मेरे सेल अमाउंट आ गया, मल्टीप्लाई करने को तैयार है, किससे, इफ से। अब यहाँ पे देखिए, ये इनने क्या किया, वैल्यू में कन्वर्ट किया, 80% से बड़ा है, तो ये ट्रू आ गया, एक ट्रू हो गया। फिर एक और कंडीशन को चेक किया तो एक और मेरा ट्रू हो गया, 2 ट्रू हो गए। तो अब ये दोनों ट्रू, एक ट्रू की वैल्यू 1 होती है, तो दोनों ट्रू आपस में ऐड होंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये मेरा 2 बन गया। अब आगे चलिए, ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 लाएगा। ये भी फॉल्स हो गया तो ये भी 0 लाएगा। तो 2 + 0 जो ऐड हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 आ गया। तो यहाँ पे 2 इंडेक्स आ गया, तो 2 पे क्या बना मेरा, 3% बना, 3% पे उसने एवेल्युएट किया। ये देखिए, ये एवेल्युएट किया, ये मेरी वैल्यू आ गई इंटू 3.003, मतलब होता है 3%, ये आ गई ये वाली वैल्यू। ऐसी यहाँ तक बॉटम तक देख लीजिए, बस ये ऐसी हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ये लॉजिकली कॉन्सेप्ट डाल दिया, इससे मेरा हल हो गया। मैक्रो में डाइस बनाने पे लगा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। एक सीट मैंने और इंसर्ट करी, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कॉलम को पतला कर लिया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे बॉर्डर कर लेते हैं, यहाँ मान लीजिए मेरे को ऐसे चाहिए, यहाँ पे एक डाइस बनाना है लूडो का, उसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, यहाँ पे
अब इसके आजू बाजू हम वो बना लेते हैं, बॉर्डर वगैरह अगर ज़रूरत है तो बना लीजिए वरना ऐसे रहने दीजिए। चलिए बना लेते हैं। ये यूज़ किया मैंने ग्रे कलर का बॉर्डर, ग्रे। अगर आप चाहते हैं डार्क ब्लैक तो ब्लैक में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ मैक्रो में कोई एक बटन बने, वहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरे डाइस की जो है वैल्यू चेंज हो, जैसे 1 2 3 ऐसे ग्रिड लाइन लगा लीजिए ताकि अच्छे दिखे। तो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ तो सिर्फ ये बीच वाला हाईलाइट हो, अदर नहीं हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे आ सकती है 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे किसके लिए आ सकती है, 2 के लिए ले लेते हैं, 3 के लिए, 4 के लिए भी आ सकती है, और 5 के लिए और 6 के लिए भी आ सकती है, 2 3 4 5 6। और यही सेम वैल्यू हम यहाँ पे भी डालते हैं, 2 3 4 5 6। 4 के लिए भी हो सकता है ये यूज़, 5 के लिए भी। ये जो होगा ये यूज़ सिर्फ 6 के लिए होगा, 5 के लिए तो वो दोनों यूज़ हो ही रहे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3 के लिए तो ये यूज़ नहीं होगा, 2 के लिए भी यूज़ नहीं होगा। ये क्या होगा, तो सिर्फ ये 4 के लिए यूज़ हो सकता है, 5 के लिए, 4 5 6। ऐसी सेम यहाँ पे 4 5 6, ये मैंने ये ले लिया इधर। आप क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आकर के इसकी बॉडी से एकदम मैच करा लेते हैं। वैल्यू हमने वाइट दे दिया, सबको वाइट ले लेते हैं यहाँ से हटा करके, और इसका फॉन्ट फेस भी वाइट ले लेते हैं। पहले वाइट ही ले लेते हैं, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, देखिए, इक्वल टू सर्च। सर्च क्या करे, इस वैल्यू को सर्च करे कहाँ से, इस पहले का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो क्या करे, तो उसकी वैल्यू ये दिखा देगा, कहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एरर को चेक कराते हैं, अगर इस एरर नहीं है तो वो काम करे, अदरवाइज नहीं। इस एरर अगर हो तो इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया मैंने, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे न्यू रूल लगाइए, यहाँ फॉर्मूला आप पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे देंगे, फिल येलो, फॉन्ट कलर भी येलो, जिससे वो आपका वैल्यू दिखे नहीं। क्लिक किया ओके अप्लाई, ये देखिए मेरा ये हो गया। बाकियों का अगर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर अब जैसे ये आ रहा है ना, ये एक लाइन आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस कीजिए और यहाँ पे श्रिंक टू फिट कर दीजिए, सारे अपने अपने अंदर ही फिट हो जाएंगे। ये हो गया, 1 आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा तो 2 के लिए दिखा देगा, ये 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 हो गया, 5 6 7 7 तो है ही नहीं कुछ भी। अब आते इसी की वैल्यू को, अब यहाँ पे मैक्रो से हम मूव करा लेते हैं, इसकी वैल्यू बस हमको चेंज करानी पड़ेगी, और यहाँ से इसको वाइट कर लेते हैं। ये वाइट कर लिया, अब बस इसको हटा दीजिए। यहाँ पे L1 की वैल्यू बस हमको चेंज करानी पड़ेगी, यहाँ हमारा अपने आप डाइस मूव करेगा। अब इसके लिए मैक्रो लिखना होगा, चलिए मैक्रो पर चलते हैं। Alt+F11 या डेवलपर टूल में जा कर के ये रहा विजुअल बेसिक, तो ये आपका मैक्रो ओपन हो जाएगा, मैक्रो वाली विंडो ओपन हो गई। अब क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू मॉड्यूल ले लीजिए या यहीं पे न्यू मॉड्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे अब चूज फंक्शन अप्लाई करते हैं, सब प्रोसीजर लिखा, माई डाइस ब्रैकेट ओपन क्लोज C3 रेंज .L.Value इक्वल टू चूज फंक्शन लगाया, वर्कशीट फंक्शन से रन बिटवीन ले लिया 1 2 6 कॉमा, अब यहाँ पे ये चूज कर एरे दे देंगे 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ एक ऑब्जेक्ट पे असाइन मैक्रो करा लीजिए, यहाँ से आप कोई सा भी आप असाइन करा सकते हैं, हटा दीजिए 1 मिनट। क्लिक किया, यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट, ड्राइंग, फोटो के किसी पे भी आप लगा सकते हैं। मैंने इस ट्राइंगल पर लगा दिया, असाइन मैक्रो, गलत टेक्स्ट हो गया, असाइन मैक्रो माई डाइस पे लगा दिया, क्लिक किया ओके। यहाँ पे गड़बड़ और भी थी, ये बीच वाले में 6 गलत आ रहा है, 6 को हटा दीजिए। क्लिक करिए यहाँ पे, देखिए 6 के लिए 6 आ रहा है, 4
1, 6, 5, 1। अब इसको भी अगर आप चाहें तो यहाँ से वाइट कर दीजिए, ये भी नहीं दिखेगा। अब इससे आपका डाइस रोटेट हो रहा है इजिली। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।